पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम डिज़ाइन ऑफ स्टेल स्ट्रक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वन बाय वन, ओके। और फिर मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो से हम यूनिट नंबर वन से हम हमारा जो भी सिलेबस है वो स्टार्ट कर देंगे। तो जो यूनिट नंबर वन है वो है हमारे जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन, मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट है स्टेल स्ट्रक्चर का, इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन भी कवर होते हैं। एक क्वेश्चन आता है तो कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पार्ट है, थ्योरी में से कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है वो। तो स्टार्ट करते हैं इसको। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, थ्योरी पार्ट है ना, तो मैं पहले थ्योरी पढ़ूंगा आपके सामने, उसके बाद में मैं उसको समझा दूंगा, समझने लायक होगा। और रटने वाली चीज़ होगी तो मैं बोल दूंगा कि आप इसको रट लो, याद करनी है चीज़ों को, ठीक है। तो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्टील मेंबर एंड देयर कनेक्शन सो दैट अप्लाइड लोड कैन बी रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर्ड सेफली एंड इकोनॉमिकली। हम इसमें जो भी डिज़ाइनिंग करते हैं वो इसी को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि हमारा जो भी लोड आ रहा है उसको ट्रांसफ़र कर दे वो सेफली, मतलब सेफ तरीके से। कोई भी स्ट्रक्चर हमारा फेल नहीं होना चाहिए, और सेफ के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत ही ज़्यादा अन इकोनॉमिकल कर दो, मतलब कि बहुत ही महंगा पड़ जाए हमारा वो स्ट्रक्चर या फिर कोई भी मेम्बर। और उसको साथ ही साथ सेफ्टी के साथ साथ इकोनॉमी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है स्टील का जो भी स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन करते टाइम, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना आपको, कि सेफ्टी के साथ साथ हमें इकोनॉमी का भी ध्यान रखना पड़ता है, ओके। सेकेंड पॉइंट है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग थ्री डिज़ाइन थ्योरीज। हमारा जो भी डिज़ाइन स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है वो तीन थ्योरीज के ऊपर बेस्ड होता है, ओके। मतलब तीनों में से किसी भी तरीके से हम 1, 2 एंड 3 तीनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर हम क्या करते हैं, लिमिट स्टेट ही यूज़ करते हैं। इनके कुछ कुछ ड्रॉबैक्स थे वो हम देखेंगे, क्या क्या डिसएडवांटेज थे इसके, क्यों हम इसको यूज़ करना बंद कर दिए। लेकिन पहले हम इलास्टिक यूज़ करते थे, उसके बाद में हमने थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया कि इलास्टिक थ्योरी से हमारा सेक्शंस अन इकोनॉमिकल होते हैं। अन इकोनॉमिकल क्यों होते हैं ये भी हम अभी देख लेंगे। फिर उसके बाद में हमने प्लास्टिक मेथड के ऊपर आए, मतलब अल्टीमेट लोड मेथड के ऊपर आए, लेकिन इसमें भी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ थी। तो इन दोनों की जो अनसर्टेनिटीज़ थी उनको हमने ख़त्म करके एक नया मेथड बनाया, वो है लिमिट स्टेट मेथड। तीनों को एक एक करके हम डिटेल से अभी देखेंगे कौन सी चीज़ क्या होती है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ आपको। देखो, पहला जो मेथड है ना वो है हमारा इलास्टिक और वर्किंग स्ट्रेस मेथड, WSM भी हम इसको बोल देते हैं, इलास्टिक और वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब देखो यहाँ पर ये इलास्टिक आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि हम जो भी स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन करते थे ना वो इलास्टिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता था। मतलब इलास्टिक थ्योरी का मतलब क्या हुआ, मतलब मैंने आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम बताया था, इलास्टिक लिमिट होती है, उसके बाद में अपर यील्ड, लोअर यील्ड पॉइंट, फिर प्लास्टिक जोन होता है, उसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग एंड नेकिंग जोन आ जाता है। तो मतलब ये यहाँ तक का जो जोन था ना, अब देखो इसको एक्चुअल मटेरियल की अगर एक्चुअल स्ट्रेंथ की हम बात करें तो एक्चुअल स्ट्रेंथ तो इसकी यहाँ तक होती है ना, लेकिन हम क्या करते हैं इस पहली वाली थ्योरी में क्या करते हैं, हम मटेरियल की स्ट्रेंथ यहाँ तक ही लेते हैं। तो यहाँ तक ही मतलब इलास्टिक थ्योरी हम यूज़ करते हैं, तो इलास्टिक तो यहाँ तक ही है, उसके बाद में तो इलास्टिक जोन थोड़ी है ये, तो इलास्टिक थ्योरी यूज़ करते हैं तो यहाँ तक कि मटेरियल की स्ट्रेंथ हम यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या है कि मटेरियल की जितनी औकात है एक्चुअल में हम उतनी यूज़ कर ही नहीं रहे, हम कम यूज़ कर रहे हैं। तो हम किसी भी चीज़ की औकात कम यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। मतलब यहाँ पर हमें मटेरियल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और मटेरियल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो हम हमारे जो स्ट्रक्चर है या फिर जो सेक्शन है उसको हम अन इकोनॉमिकल कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमिकली वो अच्छा नहीं है, इस मेथड को हम यूज़ करेंगे। तो ये इसका ड्रॉबैक था। डिटेल से हम देखेंगे अभी एक एक करके, तीनों को डिटेल से देखेंगे। अभी मैं ऊपर से आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से समझना है चीज़ों को, ठीक है। और दूसरी बात, जो ये इलास्टिक थ्योरी थी, ये इलास्टिक या फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड था, इसमें हमने जो भी हमारा फोकस डाला, मतलब हमारा जो भी फोकस था ना वो सारा मटेरियल के ऊपर था, मटेरियल के ऊपर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी मटेरियल के ऊपर ही डाली, मतलब लोड मटेरियल और लोड दो चीज़ें होती हैं ना, लोड किसके ऊपर लगाएंगे, मटेरियल के ऊपर लगाएंगे। मटेरियल मतलब कॉन्क्रीट मान लो एक तरीके, कॉन्क्रीट के माने अभी स्टील पढ़ रहे हैं तो स्टील मानो आप, ठीक है, मटेरियल स्टील है, और लोड जो भी बाहर से लोड आ रहा है, तो हमने जो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो भी हमारा सारा कंसर्न था ना वो हमने मटेरियल के ऊपर डाला, मतलब स्टील के ऊपर डाला इस इलास्टिक थ्योरी में। तो ऐसा तो है नहीं, लोड के ऊपर भी कुछ कंसर्न डालना पड़ेगा, क्योंकि लोड में भी तो अनसर्टेनिटी हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि मटेरियल ही मटेरियल में अनसर्टेनिटी होगी, लोड में भी हो सकती है। तो ये इसका ड्रॉबैक था, ओके। उसके बाद में हमने इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया और हमने आया प्लास्टिक और अल्टीमेट लोड मेथड, इसके ऊपर हम आए। अब देखो इसमें दिख रहा है आपको अल्टीमेट लोड मेथड, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल की अल्टीमेट मतलब अल्टीमेट लोड। अब देखो यहाँ पर लोड आ रहा है,
ठीक है, लोड आ रहा है तो मतलब हम क्या करते हैं, मटेरियल की बात अब यहाँ नहीं करेंगे, अब यहाँ पर लोड की बात होगी। इसमें तो हम क्या करते हैं, सारा कंसर्न हमारा मटेरियल के ऊपर ही चला जाता है। और जो सेकंड मेथड हम यूज़ करने लगे उसमें हमारा सारा कंसर्न लोड के ऊपर चला जाता है, यहाँ पर मटेरियल के ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते। जो भी हमारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, जो भी फोकस था सारा, कि लोड में ही अनसर्टेनिटी होती है, मटेरियल में कुछ भी नहीं होगी, तो ये भी एक तरीके से गलत हो गया। और दूसरी बात, इसको अल्टीमेट लोड के लिए डिज़ाइन करते थे हम। अल्टीमेट लोड मतलब जहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर यूज़ करने के लिए अब सेफ नहीं है, वहाँ तक की हम लेते थे। तो इससे तो क्या होता था कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इकोनॉमिकल तो हो जाता था, लेकिन वहाँ पर इकोनॉमिकल तो हो गया वो, लेकिन बाद में मान लो कि मटेरियल में कुछ अनसर्टेनिटी है और उसके कारण अगर हमारा स्ट्रक्चर फेल हो गया तो फिर इसकी गारंटी ये मेथड हमें नहीं देता था। उसके बाद में हमने क्या किया, फिर दोनों चीज़ों की जो अनसर्टेनिटी थी, इन दोनों में जो डिसएडवांटेज थे, उनको हमने रिकवर किया और एक नया मेथड प्रपोज किया, वो है लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड में हम क्या करते हैं, लिमिट स्टेट मेथड में मटेरियल एंड लोड दोनों के ऊपर हमारा फोकस रहता है, ओके। और जैसे हमने इस फर्स्ट वाले मेथड में और सेकंड वाले मेथड में हम क्या करते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, या फिर ऐसे बोल दो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ओके, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर नहीं बोलेंगे इसको, गलत बोल रहा हूँ मैं, इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब मेथड नंबर वन और मेथड नंबर सेकंड में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते थे। लेकिन जो लिमिट स्टेट मेथड है ना, उसके अंदर हमने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। मतलब कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने मटेरियल को दे दी और कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने लोड को दे दी, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो लोड में भी हो सकती है और मटेरियल में भी हो सकती है, दोनों में हो सकती है, लेकिन मेथड वन में और मेथड टू में हम ऐसा नहीं कर रहे थे। इसलिए लिमिट स्टेट मेथड थोड़ा अच्छा है और दोनों के ऊपर कंसर्न रहता है हमारा, मटेरियल के ऊपर और लोड के ऊपर। तीसरी जो डिसएडवांटेज था वो क्या था, कि इस लिमिट स्टेट मेथड में, मतलब इलास्टिक मेथड में या फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड और इस प्लास्टिक मेथड में जो भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम यूज़ करते थे ना, वो सारा कुछ एक्सपीरियंस के बेस पर होता था। मतलब जिसका जैसा एक्सपीरियंस वैसा ही वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करता था, तो उसमें हम डिज़ाइनिंग जो भी डिज़ाइन करता था स्ट्रक्चर, उसमें यूनिटी नहीं होती थी। कोई किसी का एक्सपीरियंस कुछ अलग होता था और किसी का एक्सपीरियंस कुछ अलग होता था, तो अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते थे मेथड नंबर वन एंड सेकंड में। लेकिन जब लिमिट स्टेट मेथड हमने यूज़ करना स्टार्ट किया, तो इसमें कोई एक्सपीरियंस के बेस पर नहीं होता था, कौन से मटेरियल में या फिर लोड में कितनी अनसर्टेनिटी थी उसकी एनालिसिस होती थी। एनालिसिस होने के बाद जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आता था उसको हम यूज़ करते थे, ओके, और वो रिलायबिलिटी एनालिसिस रहती थी, वो जब हम डिटेल से देखेंगे इसको तो आपको पता लगेगा, ओके। अब तीनों चीज़ों को हम एक एक करके डिटेल से देख लेते हैं। देखो अब आगे पॉइंट में क्या लिख रखा है, अभी हमने आपको ओवरव्यू दे दिया, अब देखो अब एक एक करके हम डिटेल से देख लेंगे। देखो पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड देखेंगे, उसके बाद में अल्टीमेट लोड मेथड देखेंगे और फाइनली हम लिमिट स्टेट मेथड देखेंगे, ओके। फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन पार्ट में और भी दूसरी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, थ्योरी पार्ट में हम आगे चल रहे हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द थ्री डिज़ाइन फिलोसफीज, मतलब हमने जो तीनों मेथड देखे ना, वन टू और थ्री, तीनों मेथड में जो बेसिक डिफरेंस है ना वो क्या है, इज द मैनर इन विच सेफ्टी इज कंसिडर्ड इन द डिज़ाइन। मतलब हम हमारे डिज़ाइनिंग में जो भी सेफ्टी हम यूज़ करते हैं ना, वो किस तरीके से यूज़ करेंगे, उस चीज़ के ऊपर ही इन तीनों थ्योरीज को डिफ्रेंशिएट किया गया है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है, सेफ्टी किस तरीके से हम कंसिडर करते हैं तीनों मेथड्स के ऊपर, मेथड्स में, वो सारा इसका बेसिक डिफरेंस है। पहला देखते हैं वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन मेथड या फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड, आप कुछ भी बोल दो। इसमें लिख रखा है वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन, मतलब WSD या फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड WSM, ऐसे भी लिख सकते हो आप, मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड WSM इज बेस्ड ऑन द इलास्टिक थ्योरी। ये क्या होता है, इलास्टिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है। मैंने आपको बताया था इलास्टिक थ्योरी मतलब क्या हो गई, इलास्टिक थ्योरी ये हो गई, मतलब ये इलास्टिक लिमिट यहाँ तक होती है मटेरियल की। इलास्टिक अगर हम माइल्ड स्टील की बात करें, यहाँ तक होती है, फिर इस तरीके से आता है अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, उसके बाद में प्लास्टिक जोन स्टार्ट हो जाता है, फिर वर्किंग हार्डनिंग जोन और फिर नेकिंग जोन। तो इलास्टिक लिमिट तो हमारी यहाँ तक ही होती है,
है ना। तो ये क्या करता है, इलास्टिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है, मतलब यहाँ तक की ही इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ तो यहाँ तक है ना, यहाँ पर जाकर के ये फेल होगा स्ट्रक्चर। लेकिन हम इस वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या करते हैं, हम इलास्टिक लिमिट तक ही उस मटेरियल की स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं, उसके बाद में ये स्ट्रेंथ हम कंसिडर नहीं करते हैं। इसका मतलब हमने इसकी इतनी कैपेसिटी तो हमने अंडर एस्टिमेट कर दी ना, और हमने इतनी सी कैपेसिटी दी है। तो अब अगर आप यार 10 आदमी हैं मान लो, इस तरीके से अगर आप सिंपल तरीके समझो 10 आदमी हैं, इनकी औकात है, इनकी औकात मान लो इतनी ऊपर तक है इतनी, लेकिन आपने कंसिडर इतना इतना ही किया है, तो आपको ज़्यादा आदमियों की रिक्वायरमेंट होगी ना। तो अगर आप इसकी स्ट्रेंथ इतनी ही कंसिडर करोगे तो आपको ज़्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी जो बाहर से लोड आ रहा है उसको रजिस्ट करवाने के लिए। तो इस ऐसा करने से सेक्शन अन इकोनॉमिकल हो जाता है फालतू में ही, क्योंकि आपने इतनी स्ट्रेंथ तो इसको क्या कर दी, अंडर एस्टिमेट कर दी इसलिए। ओके, समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, आप रिलैक्स होकर सोचो चीज़ को, आपको समझ आएगा। मैं नहीं समझा रहा हूँ वो, अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो आप एक बार मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, फिर वीडियो को पॉज करो, एक बार आँख बंद करके आपस सोचो वापस से, आपको चीज़ें फील होंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रखा है ये इलास्टिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, स्ट्रक्चर आर एनालाइज्ड इलास्टिकली, इलास्टिकली हम स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग, मेथड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ऐसा फिक्स नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं होना है चीज़ के ऊपर। ये हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये इस मेथड के अकॉर्डिंग कैसा होता है वो पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इलास्टिकली फॉर द वर्स्ट कम्बिनेशन ऑफ द वर्किंग या फिर सर्विस लोड एंड मेंबर आर प्रोपोर्शनल सच दैट अलाउबल और परमिसेबल स्ट्रेस आर नेवर एक्सीडेड। ओके, ये जो मैंने समझाया वो यहाँ पर लिख रखा है। दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट है, ये यहाँ पर थोड़ा कटा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो आप लिख लेना है ना। देखो यहाँ पर लिखना है आपको, इतना तो आपको दिख रहा है। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है द परमिसेबल स्ट्रेसेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इसके आज मिटा हुआ ना, तो देखो ये लिखा हुआ है ना वही इस चीज़ को लिख रखा है थ्योरी फॉर्म में। यहाँ पर लिख रखा हुआ है द परमिसेबल स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखो यहाँ पार्शियल नहीं आ रहा ना, क्योंकि पार्शियल जो लगता है ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी में, वो लिमिट स्टेट मेथड में ही लगता है। क्यों पार्शियल क्यों लग रहा है, क्योंकि पार्शियली हम मटेरियल में भी यूज़ करते हैं और पार्शियली हम लोड के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड और अल्टीमेट लोड मेथड के अंदर हम दोनों में यूज़ नहीं करते, उसमें सिर्फ एक में ही करते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में तो हम सारा कुछ मटेरियल के ऊपर यूज़ कर देते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और अल्टीमेट लोड मेथड के अंदर जो सेकंड मेथड है हमारा, उसके अंदर हम सारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड पे ही यूज़ कर देते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पार्शियल नहीं लगा हुआ है, क्योंकि कम्प्लीट ही हम मटेरियल कम्प्लीट ही लोड के ऊपर यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है ये आपको पता है, ये सेकंड पॉइंट सिर्फ इसी को थ्योरी फॉर्म में लिख रखा है यहाँ पर। ओके, तो देखो यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी साथ कुछ यील्ड स्ट्रेस, मतलब कि एक तरीके से क्या हो गया, यील्ड मतलब क्या हो गया, मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। ओके, तो उसी के ऊपर सारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा रखा है, और ये कह रहा है, ये भी जो ऊपर वाला पॉइंट था ना, ये परमिसेबल स्ट्रेस नेवर एक्सीडेड इस तरीके से लिख रखा है, ये कहना चाहता है कि आप अगर मटेरियल की स्ट्रेंथ कम कर दो, देखो अभी ये कोई चीज़ है मान लो 5 है, उसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो 5 से कम ही होगी ना ये चीज़, तो ये परमिसेबल स्ट्रेस है ना, ये क्या कहना चाहता है कि अगर आप मटेरियल की स्ट्रेंथ, ये मटेरियल की स्ट्रेंथ है, इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके कम कर दो। ओके, इसको कम कर दो तो जो बाहर से लोड आ रहा है, मतलब जो वर्किंग स्ट्रेस है, मतलब जो लोड उसके ऊपर लग रहे हैं, वर्किंग लोड है, उन वर्किंग लोड के कारण जो वर्किंग स्ट्रेस आ रहा है मटेरियल के अंदर, वर्किंग स्ट्रेस में मटेरियल की बात करेंगे, मटेरियल के अंदर जो भी स्ट्रेस आ रहा है वो लेस देन या फिर इक्वल टू, या तो बराबर हो या कम हो, किस से, इस परमिसिबल स्ट्रेस से। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ गए आप, ये अलग अलग जगह लिख रखा है, चीज़ें एक ही, आप कैसे समझोगे कि हमारा जो वर्किंग स्ट्रेस है, मतलब बाहर से लोड लग रहा है उसके कारण जो स्ट्रेस आ रहा है मटेरियल के अंदर, वो या तो कम हो या फिर बराबर हो, किस से, परमिसिबल स्ट्रेस से। और परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये यही लिख रखा है, ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ पर थ्योरी फॉर्म में लिख रखा है, उसके बाद में इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिख दिया। तो आप इसको थ्योरी फॉर्म में आप खुद के हिसाब से, अगर मैं लैंग्वेज लिख रखा हूँ ये आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप सिंपली इस तरीके से लिख के और खुद की लैंग्वेज में भी आप इसको लिख सकते हो। ओके,
उसके बाद में आगे चलते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हैं ना, वो सारा कुछ मटेरियल के लिए ही यूज़ करते हैं, लोड का इसमें कोई लेना देना नहीं है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं कि कुछ लिमिटेशंस थी इसकी। तो सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ डिजाइनिंग स्ट्रक्चर बाय वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन अप्रोच आर एज फॉलोड। एक एक करके यहाँ पर लिख रखिए। देखो फर्स्ट है इन WSD वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन अप्रोच लीनियर इलास्टिक बिहेवियर इज कंसिडर्ड और अज्यूम्ड। लीनियर इलास्टिक बिहेवियर हम कंसिडर करते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर अनइकोनॉमिकल होता है। तो ये एक लिमिटेशन ही है एक तरीके से इसके। ओके अज्यूम्ड दिस लीड्स टू अनइकोनॉमिकल डिजाइन बिकॉज द स्ट्रक्चर पोजेसेस कंसिडरेबल रिजर्व ऑफ स्ट्रेंथ बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। क्योंकि इलास्टिक लिमिट के बाद तो उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बची हुई रहती है और उसको आप कंसिडर नहीं कर रहे हो उस मेथड में, और ऐसा नहीं करोगे तो अनइकोनॉमिकल सेक्शन हो जाएगा ड्यू टू द डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो जो मैंने समझाया वही इस पॉइंट में मतलब ग्रामेटिकली एक थ्योरी फॉर्म में लिख रखा है, तो आप इसको पढ़ लेना। ओके, खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वो जरूरी नहीं है ये कोई रट के आपको ऐसी कैसी लैंग्वेज लिखनी है। जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो समझ जाएगा कि आपको नॉलेज है या नहीं है, वो दो लाइन पढ़ते पता लग जाता है उसको। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है द अजम्पशन दैट द स्ट्रेस कैन बी केप्ट विद इन द परमिसेबल स्ट्रेस इज नॉट रियलिस्टिक। और सेकेंड पॉइंट क्या बोल रखा है, जो हमने देखा था कि हमारा जो वर्किंग स्ट्रेस है ना, द वर्किंग स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसेबल स्ट्रेस, ऐसा हमने लिखा था ना अभी ऊपर देखा था हमने। तो ये रियलिस्टिक नहीं है, जरूरी थोड़ी कि ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं भी हो सकता। किसी कारण से हमारा जो वर्किंग स्ट्रेस है ना वो परमिसेबल स्ट्रेस से ज़्यादा भी जा सकता है। वो क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि मटेरियल की जो करेक्टरिस्टिक होती है ना वो हमें पता नहीं है। हम उसका अजम्पशन जरूर मान लेते हैं कि मटेरियल इस तरीके से बिहेव करेगा, इस तरीके से बिहेव करेगा, है ना, लेकिन उसका कोई एग्जैक्ट उसका कोई डिनोमिनेशन नहीं है। मतलब जस्ट मान लो RCC है, कॉन्क्रीट हमने RCC डिज़ाइन कर दी, तो RCC की एक्चुअल करेक्टरिस्टिक क्या है ये हमें पता नहीं है। हम उसका कुछ कुछ अजम्पशन मान करके उसके आसपास हम पहुंच जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कभी भी मटेरियल की जो औकात है या मटेरियल की नियत है वो हम कभी भी पता नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ कि अजम्पशन हम जो मानते हैं ना कि स्ट्रेसेस कैन बी केप्ट विद इन द परमिसेबल स्ट्रेस इज नॉट रियलिस्टिक, ये कोई रियल बात नहीं है। ओके, द वेरियस फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर देट, तो इसके लिए क्या क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं अगर हम इसको लिखें। तो पहला तो आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो गया। ओके, स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई जगह पर कुछ अलग से ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई तो उस जगह पर हमारा सारा स्ट्रेस क्या होगा, कंसंट्रेट होने लग जाएगा। मतलब और कंसंट्रेट मतलब मान लो ये कोई बीम है। ओके, यहाँ पर कोई आपका नोट है या कुछ भी ऐसा चीज़ है, यहाँ से कहा आपको जो भी लोड आएंगे ना बाहर से वो सारा कुछ यहाँ पर आकर कंसंट्रेट होने लग जाएगा। ओके, ज़्यादा लोड लेगा और यहाँ पर कंसंट्रेट होगा तो यहाँ पर देखो आप वर्किंग स्ट्रेस ज़्यादा होगी परमिसेबल स्ट्रेस से, किसके मुकाबले, इन और पॉइंट्स के, इस स्ट्रक्चर के और जगह के मुकाबले। तो ऐसा स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण भी हो सकता है। दूसरा रेजिडुअल स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। तीसरा अदर सेकेंडरी स्ट्रेसेस और इफेक्ट, और अलग अलग कुछ इफेक्ट भी हो सकते हैं, क्रीप हो गया जैसे, ओके रिलैक्सेशन हो गया, ये सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, उनके कारण भी ये बात रियलिस्टिक मतलब ये जो हमने लिखा है ये रियलिस्टिक नहीं है ये चीज। ओके, मोस्टली ऐसा होगा लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, वो इसलिए इसका सेकेंड ड्रॉबैक है। तीसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिख रखा है तीसरा पॉइंट लिख रखा है इट फेल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ लोड दैट एक्ट साइमल्टेनियसली बट हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, दिस मे लीड टू अनइकोनॉमिकल डिज़ाइन। दूसरी बात ये लिख रखा है कि इसके ऊपर जो भी लोड वगैरह आएंगे, हम अभी आगे देखेंगे कुछ कुछ फैक्टर्स हम यूज़ करते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, डेड लोड प्लस विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड, डेड लोड लाइव लोड प्लस डेड लोड प्लस डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड, इनके जो भी फैक्टर्स हम यूज़ करते हैं ना, हम ये मानते हैं कि सारे के सारे जो भी लोड आ रहे हैं, ओके जो भी लोड आ रहे हैं मटेरियल के ऊपर, तो उस मटेरियल के ऊपर ऐसा तो है नहीं कि हमें डेड लोड और लाइव लोड और विंड लोड ये सारे के सारे एक साथ पूरे खुद की कंप्लीट मतलब मोस्ट एफिशिएंसी के ऊपर आकर के मटेरियल के ऊपर लगेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इस डेड लोड के लिए भी मैक्सिमम फैक्टर यूज़ करते हैं, इसके लिए भी मैक्सिमम, इसके लिए भी मैक्सिमम। लेकिन मान लो कि डेड लोड मैक्सिमम पे आ रहा है लेकिन लाइव लोड तो बिल्कुल कम आ रहा है और विंड लोड भी ठीक ठाक थोड़ा बहुत आ रहा है, तो एक्चुअल तो ऐसा आ रहा है लेकिन हम मैक्सिमम मान के यूज़ करते हैं इनको। तो मैक्सिमम मान के यूज़ करेंगे तो हम मटेरियल अच्छा यूज़ करना पड़ेगा, इससे हमारा सेक्शन अनइकोनॉमिकल हो जाता है।
ओके तो यही तीसरा पॉइंट में लिख रखा है, इट फेल टू डिस्क्रिमिनेट द डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स दैट एक्ट साइमल्टेनियस, एक साथ लोड लगते हैं ना तो उनको डिफरेंशिएट करने में ये इतना अच्छा नहीं है, ओके फेल हो जाता है उसको, और इससे क्या होता है हमारा सेक्शन अनइकोनॉमिकल हो जाता है। तो ये सारा वर्किंग स्ट्रेस की बात हो गई। वर्किंग स्ट्रेस के बाद में फिर हमने देखा इसमें इतनी सारी अनसर्टेनिटी है तो हमें कुछ नया मेथड प्रपोज करना चाहिए, नया मेथड की खोज करनी चाहिए, कुछ अलग मेथड यूज़ करना चाहिए। तो जो नया मेथड आया हुआ है प्लास्टिक डिज़ाइन मेथड या फिर अल्टीमेट लोड मेथड, ठीक है सेकंड मेथड ये आ गया। इसमें लिख रखा है इन द प्लास्टिक, या आगे जो लिख रखा है ना वो आप एक बार देख लो, मैं बोल देता हूँ आपको क्या लिखा हुआ, ये कट गए यहाँ पर स्कैनिंग में, यहाँ पर लिख रखा है इन द प्लास्टिक, अब आगे आप लिखो इन द प्लास्टिक मेथड द डिज़ाइन क्राइटेरिया इज़ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अब आपको बताइए इसका सेकंड नाम क्या होता है, अल्टीमेट लोड मेथड होता है ना, और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि इसकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो क्या होती है, किसके ऊपर बेस्ड होती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड होती है इसकी, ठीक है। और फिर आगे लिख रखा है दिस मेथड ऑफ डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन, फिर आगे लिख रखा है यहाँ पर फेल्योर, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया, एक बार वापस से बोल देता हूँ, आप लिख लो इन द प्लास्टिक मेथड द डिज़ाइन क्राइटेरिया इज़ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, दिस मेथड ऑफ डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन, फिर ऑन के बाद में ये लिख रखा है देखो यहाँ पर फेल्योर कंडीशन रेदर देन वर्किंग लोड कंडीशन एंड फेल्योर इम्प्लाइज कोलेप्स और एक्सट्रीमली लार्ज डिफॉर्मेशन। और हम क्या मानते हैं, अब देखो दूसरी बात इसको समझने से पहले आप ये भी बात देखो, अगर आपको ब्रिटल मटेरियल है मान लो, ये तो है ब्रिटल मटेरियल और ये है डक्टाइल मटेरियल आपका, इसमें डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें ब्रिटलनेस बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर आपने ये सिंपली सपोर्टेड है इस तरीके से लगे हुए हैं बीम मान लो एक तरीके से, ओके इसके ऊपर आपने कोई भी लोड लगाया और इसके ऊपर भी आपने कोई भी लोड लगाया, तो यहाँ पर आप लोड लगाओ तो ब्रिटल मटेरियल तो फट से यहाँ से क्रैक हो जाएगा आप जैसे इसके ऊपर लोड लगाओगे, ओके तो हम इसमें तो क्या मानेंगे कि हमारा जब स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा ना उसको ही हम अल्टीमेट लोड मानेंगे, जिस लोड के ऊपर यहाँ पर क्रेक होना स्टार्ट हुआ उसी को हमने अल्टीमेट लोड मान लिया। लेकिन आप यहाँ की बात करो, यहाँ आपने लोड लगाया तो ये क्रेक तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा क्रेक, क्योंकि ये डक्टाइल मटेरियल है, अब डक्टाइल मटेरियल तो क्रेक होता नहीं है, उसमें तो डिफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि उसमें डिफॉर्मेशन होता जा रहा है और हमारा स्ट्रक्चर ऐसे मान रहे कि स्ट्रक्चर सेफ है, स्ट्रक्चर में कोई भी खराबी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम डक्टिलिटी में क्या करते हैं कि एक स्पेसिफाई कर देते हैं एक लिमिट कि अगर इससे ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा स्ट्रक्चर में तो वो स्ट्रक्चर फेल माना जाएगा। तो हमने मान लिया कि इसके अंदर कुछ 10 mm का या फिर 20 mm का 10 cm कुछ भी मान लेते हैं, तो उस लिमिट को अगर ये क्रॉस करेगा तो हम उसको मानेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर फेल हो गया। ऐसा नहीं है कि डक्टाइल मटेरियल जब उसमें क्रेक आएंगे जब भी मानेंगे, तो डक्टाइल मटेरियल में तो क्रेक आएगा ही नहीं, उसको बिल्कुल डिफॉर्म होकर के नीचे जमीन के टच हो जाएगा, जब तक भी क्रेक नहीं आएगा तो जब तक थोड़ी लेके बैठे रहेंगे उसको, तो इसमें जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा उसी को हम वो मान लेते हैं क्या, फेल मान लेते हैं। तो यहाँ पर वही चीज लिख रखा है फेल्योर कोलेप्स एंड फेल्योर इम्प्लाइज कोलेप्स और एक्सट्रीमली लार्ज डिफॉर्मेशन, या तो आपका कोलेप्स हो जाए मतलब क्रेक आ जाए तो क्रेक तो ब्रिटल में आएगा, और या फिर एक्सट्रीमली लार्ज डिफॉर्मेशन हो जाए वेन सफिशियंट प्लास्टिक हिंजेज आर फॉर्म्ड इन द स्ट्रक्चर द मैक्सिमम कोलेप्स मैकेनिज्म। अच्छा दूसरी बात और, ये जो लाइन ना यहाँ से लिख रखी है वेन सफिशियंट प्लास्टिक हिंजेज फॉर्म, ये चीज़ आपको जब समझ आएगी जब प्लास्टिक एनालिसिस के लेक्चर आप देखोगे, आप प्लास्टिक एनालिसिस के आप लेक्चर देखना वहाँ से आपको समझ आएगा। फिर भी मैं ऊपर से बता देता हूँ कि कोई स्ट्रक्चर होता है ना प्लास्टिक स्ट्रक्चर होता है वो फेल जब भी होता है जब उसमें कंटिन्यूस 3 प्लास्टिक हिंजेज फॉर्म हो जाती है अल्टीमेट लोड के ऊपर या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट के ऊपर, तो 3 प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती है ना कंटिन्यूसली 3 प्लास्टिक हिंज फॉर्म होनी चाहिए जब ही हमारा स्ट्रक्चर फेल होता है प्लास्टिक एनालिसिस में, नहीं तो हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखो, बाकी ये जो बाकी की चीज़ है ना वो आपको प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ेंगे तो तब समझ आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है इन द प्लास्टिक मेथड ऑफ डिज़ाइन द सर्विस लोड आर मल्टीप्लाइड बाय द लोड फैक्टर। देखो अब यहाँ पर क्या लिख रखा है द सर्विस लोड, क्योंकि ये अल्टीमेट लोड मेथड है ना तो इसमें सारा कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी या फिर जो भी लोड फैक्टर, अब देखो यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ना यहाँ पर लोड फैक्टर बोलता है ना, आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी बोल देना कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हम फैक्टर हम यूज़ करते हैं ना वो कहाँ यूज़ करते हैं, किसके साथ यूज़ करते हैं, ये सारा कुछ हम यूज़ करते हैं लोड के साथ, और जो इससे पहले हमने मेथड पढ़ा था उसमें सारा कुछ हम यूज़ किसके साथ करते हैं, मटेरियल की स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिख रखा है इन द प्लास्टिक मेथड ऑफ डिज़ाइन द सर्विस लोड आर मल्टीप्लाइड बाय द लोड फैक्टर
एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर आर सेलेक्टेड एंड डिजाइन बेसिस कोलैप्स स्ट्रेंथ। ठीक है, वो ऐसे लिख रखा है, आप ध्यान रख लेना। बस यहाँ पर क्या कर रखा है कि आपका जो वर्किंग लोड है ना, वर्किंग लोड को आप लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद में भी मतलब आप जो बाहर से लोड आ रहा है ना उसको अगर आपने बढ़ा दिया लोड फैक्टर मल्टीप्लाई करके, तो मतलब उस लोड को आपका मतलब उस लोड को बढ़ाने के बाद भी अल्टीमेट लोड से आपका जो लोड है बाहर से आ रहा है वो कम ही रहना चाहिए, ऐसा ये सेकंड मेथड बोलता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब मैं दोनों मेथड को एक बार वापस से बता देता हूँ कि क्या कह रहा था दोनों मेथड, क्या कह रहे थे। देखो ये क्या कह रहे थे दोनों मेथड, ये दोनों मेथड ये कह रहे थे कि पहला तो हम वर्किंग स्ट्रेस की बात करते हैं और फिर अल्टीमेट लोड की बात करेंगे। ओके, दोनों ये वाली लाइन समझा रहा हूँ मैं दोनों के लिए। देखो ये वर्किंग स्ट्रेस वाला मेथड क्या बोला था, ये ऐसे बोल रहा था कि जो आपका वर्किंग स्ट्रेस है, मतलब जो वर्किंग स्ट्रेस है मटेरियल की, यहाँ पर मटेरियल की बात होगी और यहाँ पर लोड की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्किंग स्ट्रेस है ना, वर्किंग स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू, या तो कम होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए, किसके, आपके परमिसिबल स्ट्रेस के। और परमिसिबल स्ट्रेस क्या था, परमिसिबल स्ट्रेस वो था कि आपकी मटेरियल, मतलब ये मटेरियल की बात हो रही है, तो मटेरियल की जितनी औकात है ना आपकी, मतलब मटेरियल जितनी स्ट्रेंथ ले सकता है, तो उस जो स्ट्रेंथ ले सकता है ना उससे भी आप कम कर दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके, मतलब यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब अगर आप मटेरियल की स्ट्रेंथ है ना, मटेरियल की स्ट्रेंथ आपने कम कर दी, उससे भी कम रहने चाहिए आपके वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो लोड है ना, लोड, उस लोड को अगर आप बढ़ा दो, किससे, लोड फैक्टर मल्टीप्लाई करके, तो अगर आप लोड को बढ़ा दो तो उस लोड को बढ़ाने के बाद भी आपके जो लोड है वो कम होने चाहिए अल्टीमेट लोड से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। समझाने से शायद समझ नहीं आ रहा होगा, दो चार बार आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। बाकी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये जो रेड कलर से मैंने डिब्बे में बंद कर रखे ना वो रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछते हैं और लिखवा भी लेते हैं कि अल्टीमेट लोड उसमें क्या डिफरेंस है, तो आप ये लिख दोगे तो जो चेक करने वाला है वो समझेगा कि इसको नॉलेज है, भले ही आपको नॉलेज ना हो, लेकिन जो यहाँ पर डिब्बे में बंद है वो, और जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो डिब्बे में बंद कर रखी थी, वो दोनों चीज़ें आपको रटनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, बाकी आप तीन चार बार पढ़ोगे ना इसको तरीके से, और आप रियल में समझना चाहते हो चीज़ को, तो खुद ही समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। बाकी मैंने जो समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। दिस अप्रोच यूजेज द रिजर्व स्ट्रेंथ। अब देखो क्या होता है, ये अल्टीमेट लोड की बात हो रही है ना, मतलब अल्टीमेट लोड की बात हो रही है, मतलब ये इस तरीके से जा करके अल्टीमेट लोड यहाँ मान लो, या फिर अल्टीमेट यहाँ पर, तो ये अल्टीमेट लोड यहाँ तक की स्ट्रेंथ कवर करता है, ये वर्किंग स्ट्रेस तो यहाँ तक की स्ट्रेंथ कवर करता है, इसलिए अनइकोनॉमिकल हो जाता है, लेकिन ये अल्टीमेट लोड मेथड यहाँ तक की स्ट्रेंथ कवर कर लेता है, अल्टीमेट लोड तक की, तो ये इतनी स्ट्रेंथ कवर करता है, तो इतनी स्ट्रेंथ कवर करेगा तो हमारा सेक्शन इकोनॉमिकल हो जाता है, मतलब कम स्टील की रिक्वायरमेंट होगी और पैसे भी कम लगेंगे। वही चीज़ यहाँ पर लिख रखी है, दिस अप्रोच यूजेज द रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील विच इज लेफ्ट अनयूटिलाइज इन द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन। वर्किंग स्ट्रेस में हम जो यूज़ करना छोड़ते थे ना उसको यूज करता है ये, कौन, अल्टीमेट लोड मेथड। ठीक है, एंड रिजल्ट इन स्मॉलर साइज सेक्शन देन दोज डिजाइन इन द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन। वही जो मैं समझा रखा हूँ वही चीज़ लिखी हुई है, जो मैंने बोल दिया ना वो सारा कुछ ही आ गया है इसमें। अब बस थ्योरी फॉर्म में इसको जगह जगह स्टाइल से लिख रखा है, कहीं किसी स्टाइल से, कहीं किसी स्टाइल से, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से लिख रखा है, बाकी है सारी चीज वही। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सम लिमिटेशंस। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थे वो देख लेते हैं क्या है। पहली लिमिटेशन इसकी क्या है, इट डज नॉट कंसिडर सर्विसबिलिटी कंडीशन सच दैट डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, फटीग। ये क्या कहना चाहता है कि अगर आप किसी मटेरियल की अल्टीमेट लोड वाला यूज कर लोगे कि वहां पर तो अब जाके फेल हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर अल्टीमेट लोड पर जाकर के, तो अगर आपके छोटे मोटे डिफ्लेक्शन वगैरह आएंगे ना, डिफ्लेक्शन मतलब कुछ छोटे मोटे डिफ्लेक्शन अगर आगे कुछ लोड के कारण, या फिर बाहर कोई डीजे बज रहा है तो डीजे के कारण आपको कुछ वाइब्रेशन आएंगे, उसको फिर ये कंसिडर नहीं करता है, ये तो आपका अल्टीमेट लोड पे आपका फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर, वहीं कंसिडर करेगा, तो इसकी लिमिटेशन हो गई एक तरीके से। इट डज नॉट कंसिडर द सर्विसबिलिटी कंडीशन, ये ध्यान रखना आप पॉइंट, सर्विसबिलिटी कंडीशन, सर्विसबिलिटी के अंदर ही आते हैं ये डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, फटीग वगैरह। ठीक है,
नॉइज़ बाहर अगर कोई डीजे वगैरह डीजे की बात ले तो डीजे से अंदर तक नॉइज़ भी आएगी। बाहर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो अगर और अंदर आप स्टडी कर रहे हो तो अंदर कोई कुछ नॉइज़ भी आएगी, तो उसको भी ये कंसिडर नहीं करता है। तो सर्विसबिलिटी कंडीशन एक तरीके से इसमें कंसिडर नहीं होती है अल्टीमेट लोड मेथड के अंदर, ये इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो क्या है, थ्रू द कंसेप्ट ऑफ लोड फैक्टर हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड बट नो सेफ्टी फैक्टर अप्लाइड टू द मटेरियल। वही चीज़ है, मैंने आपको बताया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड की एक लिमिट, आप ये भी लिख लेना, शायद लिखा हुआ नहीं है इसके अंदर, कि इसमें जो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हैं ना वो सारा कुछ मटेरियल के ऊपर ही करते हैं, हमारा लोड के ऊपर कोई कंसर्न ही नहीं रहता है। और जो लोड अल्टीमेट लोड मेथड है जो कि यहाँ पर लिख रखा है, ये वाला पॉइंट, ये क्या लिख रखा है कि जो भी आप लोड फैक्टर यूज़ करते हो ना वो सारा कुछ लोड के लिए ही यूज़ करते हो, आप मटेरियल के लिए कुछ यूज नहीं करते हो। तो ये भी इसका एक, लेकिन अनसर्टेनिटी तो होती है ना वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, हम लोड के लिए यूज़ नहीं करते तो लोड के लिए तो अनसर्टेनिटी होती है लेकिन यूज़ नहीं करते, गलत बात है। और अल्टीमेट लोड मेथड में आप सारा कुछ लोड के लिए यूज़ करते हो, मटेरियल की अनसर्टेनिटी को आप कुछ तवज्जो ही नहीं देते हो, तो ये भी गलत बात है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख रखा है, तो द कंसेप्ट ऑफ द लोड फैक्टर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बट नो सेफ्टी फैक्टर अप्लाइड टू द मटेरियल, गलत बात है इसीलिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख रखा है, इन द लोड कॉम्बिनेशन ऑल द लोड आर कंसिडर्ड एक साइमल्टेनियस, मतलब मैक्सिमम वैल्यूज मेंटेनिंग सम, वही चीज़ें जो वहाँ पर लिख रखी है, सारे लोड एक साथ आएंगे तो ऐसा तो जरूरी थोड़ी कि सारे लोड खुद की फुल एफिशिएंसी के ऊपर ही आएंगे, कुछ ज़्यादा एफिशिएंसी के ऊपर आएंगे, कुछ बिल्कुल नेग्लिजिबल आएंगे और कुछ ठीक ठाक पे आएंगे। लेकिन हम क्या करके चलते हैं कि सारे कुछ मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आ रहे हैं, उसी के हिसाब से हम लोड फैक्टर यूज़ कर लेते हैं और हमारा सेक्शन अनइकोनॉमिकल हो जाता है, तो ये भी इसका एक तरीके से ड्रॉबैक है, ठीक है। ये सेम के आगे और लिख लेना, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बोलता हूँ, इन द लोड कॉम्बिनेशन ऑल द लोड आर कंसिडर्ड टू एक्ट साइमल्टेनियसली विद देयर मैक्सिमम वैल्यू मेंटेनिंग द सेम लोड फैक्टर, लिख लेना इसके आगे ना, ये कटा हुआ है इसलिए, देखो यहाँ पर लिखा हुआ लोड फैक्टर, ये दिख रहा नहीं है, तो लोड फैक्टर आप लिख लेना इसके आगे, ठीक है। उसके बाद में ये थर्ड आता है लिमिट स्टेट मेथड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।